हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक टाइकून। सी शार्प बिगिनिंग कोर्स सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, यहाँ आपको मैं लिस्ट में दिखा देता हूँ कि सबसे पहले डबल्स इक्वल टू, नॉट इक्वल टू यानी एक्सक्लेमेशन साइन और इक्वल टू को हम कंपेयर करते हैं और पढ़ते हैं नॉट ऑपरेटर। इसी तरह ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर की कैटेगरीज में आते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स याद रखिएगा, हमेशा जो रिटर्न करते हैं वैल्यू यानी जो इसका आंसर आता है, जो आउटपुट आता है, वो हमेशा 0, 1 या फिर फॉल्स या ट्रू में आता है। यानी यहाँ पर जो हमें अभी आंसर मिलेगा वो या तो फॉल्स मिलेगा या ट्रू मिलेगा। यानी रिलेशनल ऑपरेटर का रिटर्न जो आता है, जो आंसर आता है, वो हमेशा बुलियन टाइप में, ट्रू या फॉल्स में आता है। आइए प्रैक्टिकली समझते हैं। हमने एक नंबर वेरिएबल लिया और एक इसको हमने वैल्यू दे दी 200। इसी तरह एक और वेरिएबल, इसको हमने वैल्यू 300 और नाम, क्योंकि वेरिएबल का हमेशा चेंज होता है। अब सिंपली हम कंसोल और राइट लाइन में सबसे पहले मैं मैसेज पास करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इक्वल डबल इक्वल टू के बारे में बात। डबल इक्वल टू का मतलब होता है देखना, कंपेयर करना कि दो वैल्यू के अंदर रखी हुई चीज़ के आपस में एक दूसरे के बराबर है या नहीं। यानी मिसाल के तौर पर नम डबल इक्वल्स टू नम टू, यानी मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो पहले वाले वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है, चाहे वो कुछ भी है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो इसके बराबर है या नहीं है, मुझे ये कंपेयर करना है कि जो दोनों वेरिएबल की वैल्यू अगर बराबर है तो मुझे ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। अब ये डिपेंड करेगा कि कंडीशन पे। इस वक्त नम के अंदर 200 है और नम टू के अंदर 300 है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स होगी, इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो ये देखें, यहाँ हमें आंसर फॉल्स मिला। इसी तरह अगर हम बात करें नॉट इक्वल टू की, कि नॉट इक्वल टू इस वक्त क्या करेगा। अब हमने देखा डबल इक्वल टू ने हमें बताया कि ये फॉल्स आंसर था, मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा दिया। अब क्या होगा, नॉट इक्वल टू का मतलब ही जिस तरह ये नाम से बता रहा है कि ट्रू तब हो जब दोनों वैल्यू नॉट इक्वल टू ईच अदर हों। यानी दोनों वैल्यू जब एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तो इस ऑपरेटर की मदद से हमें वैल्यू ट्रू मिलेगी। यानी अब जो आंसर पहला फॉल्स था वो अब यहाँ हमें ट्रू मिलेगा। तो ये देखें, पहला हमें फॉल्स मिला और दूसरा आंसर ट्रू मिला, क्योंकि 200 नहीं बराबर है 300 के, दोनों बराबर नहीं है, तो ये वैल्यू के हिसाब से ये ट्रू हुई, इसलिए हमें इसने रिटर्न ट्रू किया। इसी तरह बाकी के बारे में भी अगर हम देखें तो हमारे पास जो आता है ग्रेटर देन। अब मैंने कहा कि नम वन यानी 200 बड़ा है नम टू से, ऐसी कंडीशन, तो ये भी हमें फॉल्स ही रिटर्न करेगा क्योंकि नम वन बड़ा नहीं है नम टू से, तो इसने भी हमें फॉल्स रिटर्न किया। लेकिन अगर मैं यहाँ की वैल्यू 500 कर दूँ और अब इस ऑपरेटर को मैं चलाऊँ तो तकरीबन इन सब पे ही इसका इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो ये है। तो यहाँ पर नम ग्रेटर देन है नम टू के, तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब इसने हमें ट्रू रिटर्न किया। तो इट्स डिपेंड ऑन कंडीशन, डिपेंड ऑन वैल्यू, वेरिएबल वैल्यूज। तो हमने यहाँ पर इसको 500 किया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं लेस देन की। तो लेस देन में हमें वैल्यू, हमने बताया कि नम लेस देन है नम टू के, तो ये कंडीशन फॉल्स है, 500 छोटा नहीं होता 300 के, तो ये भी हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह हमारे पास फाइनली इसी का जो लेस देन और इक्वल टू, यानी अब अगर मुझे चेक करना हो कि नम बराबर हो या ग्रेटर देन हो, यानी अगर नम की वैल्यू, अब ये दो कंडीशन पे काम करेगा, यानी ये भी चेक करेगा कि या तो ये वैल्यू बराबर होगी तब भी फॉल्स ट्रू करे, और अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन होती है तब भी ये क्या करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करेगा। यानी दोनों ही सूरतों में हमें ट्रू मिलेगा, या तो कंडीशन बराबर हो या फिर नम वन की वैल्यू नम टू से ग्रेटर देन। अब यहाँ पर नम के अंदर 500 तो था, अब इक्वल टू के हिसाब से कंडीशन फॉल्स है, लेकिन ग्रेटर देन के हिसाब से ये कंडीशन ट्रू है, तो आंसर हमें ट्रू मिलेगा। ये देखें, अब ट्रू क्यों मिला,
क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जब इक्वल टू और ग्रेटर देन एक साथ, मतलब दो ऑपरेटर, इसका मतलब काम भी डबल चेकिंग करता है कि अगर वैल्यू इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर या तो ग्रेटर देन हो, और अगर ग्रेटर देन नहीं है तो फिर लेस देन हो, अगर लेस देन का साइन लगा हुआ हो तो। यानी अगर मैं इसकी वैल्यू हो यहाँ पर, मैं इसको भी 500 कर दूँ, तो इस सूरत में ये ग्रेटर देन तो नहीं है, ये तो फॉल्स है, लेकिन इक्वल टू है तब भी आंसर फॉल्स अपना ट्रू ही आएगा। तो ये देखें ट्रू। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास लेस देन और इक्वल टू होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं, सेम है, बस बात यह है कि अब वो लेस देन को चेक करेगा। तो अब भी बात वही है कि या तो लेस देन हो नम वन की वैल्यू नम टू से, या फिर इक्वल हो। तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, तो इसका आंसर भी हमें ट्रू ही मिलेगा। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। इनका इस्तेमाल हमारे पास कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा किया जाता है, जब हम दो मुख्तलिफ एंटिटीज़ को आपस में या तो कंपेयर कर रहे होते हैं, या उनकी कंपैरिजन की वैल्यू से हमें आगे कोई और मज़ीद काम करना होता है। हम जैसे जैसे सीरीज़ में आगे जाते जाएंगे, इन ऑपरेटर्स का हम प्रैक्टिकली यूज़ भी देखेंगे कि किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अभी जो याद करने वाली बात वो ये है कि ये ऑपरेटर होते कौन से हैं, वो हमने देखा सीखा, और इनका जो रिटर्न है यानी इसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा फॉल्स या ट्रू आता है, यानी बुलियन आता है। तो उसका प्रैक्टिकल करके हमने देखा, ये बात प्रूफ हुई। ये रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास हैं, जब भी हमें कोई कंपैरिजन, कोई इस जिस तरह हमारे पास मार्कशीट बनती है बहुत सारे रिजल्ट्स कैलकुलेट करके, ग्रेटर देन लेस देन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें इन्हीं ऑपरेटर से मिलके बनाई जाती हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर यूज़फुल ऑपरेटर्स हैं और इनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में।